तो गाइस WWE से निकाले गए भारतीय स्टार का कंपनी को मुंह तोड़ जवाब, नए टैलेंट को मौका देने की उठाई मांग और भारी भरकम सुपरस्टार ने भाई सेथ रॉलिंस को दे दी धमकी। क्या धमकी दी है अभी आगे मैं आपको बता दूंगा। उससे पहले बात कर लेते हैं रोमन रिंग्स की। भाई रोमन रिंग्स का इस बार भाई स्मैकडाउन में एक बड़ा सेगमेंट देखने को मिल सकता है, यानी कि जो इस हफ्ते की जो स्मैकडाउन आने वाली है वो बैड ब्लड से पहले की स्मैकडाउन है और इस स्मैकडाउन को बिल्कुल भी देखना ना भूलना, क्योंकि इस हफ्ते की स्मैकडाउन के एपिसोड में काफी ज्यादा धमाल देखने को मिलने वाला है। अभी मैं आपको पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ। तो हेलो गाइस, आप देख रहे हैं WWE हिंदी तड़का। तो सबसे पहले बात करते हैं WWE से निकाले गए भारतीय स्टार कंपनी को मुंह तोड़ जवाब, यानी कि वो कौन से सुपरस्टार हैं जिन्होंने WWE को मुंह तोड़ जवाब दिया है। तो बात करते हैं अपने जिंदर महाल की। तो WWE ने इस साल भारतीय फैंस को बड़ा झटका दिया है। कंपनी ने अप्रैल के जिंदर महाल की वीर महान और सागा को रिलीज कर दिया था। सागा इसके बाद काफी गुस्से में आ गए थे। उन्होंने कहा था कि WWE में भारत से अच्छी व्यूअरशिप चाहिए लेकिन वो भारतीय टैलेंट को नहीं लेंगे। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि मौजूदा समय में WWE में कोई भी भारतीय सुपरस्टार काम नहीं करता है। खैर अब कंपनी द्वारा की गई बुकिंग के ऊपर WWE ने इस साल भारतीय फैंस को बड़ा झटका दिया। जिंदर महान ने WWE में लंबे समय तक काम किया। साल 2017 में उन्होंने कंपनी ने तगड़ा पुश दिया। रैंडी ऑर्टन को हराकर उन्होंने अपने करियर में पहली बार WWE चैंपियनशिप हासिल की थी। उनका ये टाइटल रन शानदार रहा। इसके बाद भी उन्होंने लगातार WWE रिंग में अपने काम से फैंस का दिल जीता। हालांकि पिछले कुछ साल उनके लिए अच्छे नहीं रहे, इंजरी और खराब बुकिंग की वजह से उन्हें काफी परेशानी झेलनी पड़ी। तो इसलिए जो हमारे भारतीय सुपरस्टार है ना, उनका यही गुस्सा कि WWE उन्हें रिलीज नहीं कर रही है, यानी को उनको कोई भी मौका नहीं दे रही WWE के अंदर। तो चलते हैं अपनी आज की इस वीडियो की नेक्स्ट अपडेट की तरफ। तो आपने देखा होगा जो ब्रॉन स्ट्रोमैन और ब्रॉन्सन रीड का जो काफी शानदार मैच इस हफ्ते में देखने को मिला था, जिसमें रिंग भी टूटा था और यहां पर आपको देखने को मिली थी सेथ रॉलिंस की वापसी। तो भाई सेथ रॉलिंस ने सभी फैंस को आके चौंका दिया था। आने के बाद गाइस ब्रॉन्सन रीड को भाई क्या जबरदस्त अटैक किया। इसके बाद ब्रॉन्सन रीड कहां खामोश बैठने वाले हैं। भाई ब्रॉन्सन रीड ने भी यहां पर ट्विटर पर भाई एक पोस्ट लिख के दे दी, जिसमें उन्होंने साफ साफ कह दिया कि सेथ रॉलिंस आपने स्टाम्प लगाकर मेरी हालत खराब कर दी और अब मैं शरीर से आपकी आत्मा निकाल दूंगा। मतलब आप देख रहे हो ना, वो उनको जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। तो ये भी ब्रॉन्सन रीड की तरफ से एक खतरनाक धमकी है जो हमें नेक्स्ट वीक देखने को मिलने वाली है कि ये दोनों आमने सामने आएंगे तो भाई क्या घमासान होने वाला है। एक अपडेट के मुताबिक तो ये भी बताया जा रहा है कि सेथ रॉलिंस वर्सेस ब्रॉन्सन रीड वर्सेस ब्रॉन स्ट्रोमैन का हमें ट्रिपल थ्रेट मैच देखने को मिल सकता है। तो चलिए अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ जो है रोमन रिंग्स से जुड़ी हुई। तो गाइस इस हफ्ते का जो स्मैकडाउन आने वाला है काफी शानदार स्मैकडाउन आने वाला है, क्योंकि बैड ब्लड का जो इवेंट आने वाला है उससे जो पहला वाला स्मैकडाउन है, तो ये जो स्मैकडाउन आ रहा है ना ये बैड ब्लड का लास्ट स्मैकडाउन है। इसके बाद सीधे में बैड ब्लड देखने को मिलने वाली है। लेकिन गाइस यहां पर अगर बात करें इस हफ्ते की स्मैकडाउन, तो यहां पर गाइस एक काफी कमाल का एक मैच होने वाला है। तो इस हफ्ते के स्मैकडाउन के इस एपिसोड में ब्लड लाइन का टामा टोंगा और टांगा लोआ अपनी WWE टैग टीम चैंपियनशिप को दांव लगाने वाले हैं, जो कि उनका सामना लेदर मैच में स्ट्रीट प्रॉफिट और डे से होने वाला है। इस मैच में ब्लड लाइन की जीत का संभावना ज्यादा है, लेकिन रोमन रिंग्स आकर उनकी हार का कारण बन सकते हैं। वो ये काम कुछ अलग तरीके से भी कर सकते हैं। इस आर्टिकल में हम तीन तरीके से बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर अगर नंबर तीन की बात करें तो यहाँ पर रोमन रिंग्स जेको फाटू और सोलो सिकुआ को दखल देने से रोक सकते हैं। और अगर यहाँ पर नंबर दो की बात करें तो नंबर दो में WWE दिग्गज रोमन रिंग्स के मैच के पहले ही कोडी रोज का साथ मिलकर बिल्ड लाइन पर हमला करेंगे। और यहाँ पर अगर नंबर वन की अपडेट की बात करें तो WWE स्मैकडाउन में रोमन रिंग्स आखिरी में आकर फैंस को सरप्राइज कर सकते हैं। तो गाइस इस हफ्ते की जो स्मैकडाउन होने वाली है, यानी कि जो ब्लू ब्रांड आने वाला है, बहुत कमाल का होने वाला है और इसमें ब्लड लाइन की और रोमन रिंग्स और कोडी रोज का काफी अच्छा में शानदार प्रदर्शन देखने को मिल सकता है। तो इस हफ्ते की स्मैकडाउन को बिल्कुल भी देखना ना भूलना। तो आज की जो लास्ट अपडेट है गाइस वो भी इसी से रिलेटेड जुड़ी हुई, यानी कि जो बैड ब्लड आने वाली WWE बैड ब्लड आने वाली है, जहां पर कोडी रोज और रोमन रिंग्स एक तरफ होंगे, जहां पर सोलो सुका और जेकब फाटू एक तरफ होंगे। तो टैग टीम मैच ये काफी शानदार होने वाला है। इस चीज के बारे में तो आप भी जानते होंगे कि अगर इन दोनों का मैच हो रहा है तो टामा टूंगा और टांगा लुआ ये लोग कैसे पीछे रह सकते हैं। तो भाई ये लोग जरूर इंटरफेयर करेंगे और भाई इनको बचाने के लिए तो कुछ तो सुपरस्टार की जरूरत पड़ने वाली है जो रोमन रिंग्स की तरफ से होना चाहिए। वही बंदे आ सकते हैं जो भाई रोमन रिंग्स को समझ सकते हैं। तो यहाँ पर जिम्मी उसो आ सकते हैं। तो भाई इन दोनों के मैच में भाई जिम्मी उसो तो वापस आ सकते हैं, क्योंकि जिम्मी उसो की बिल्ड लाइन ने काफी खराब हालत कर दी थी। तो इसका बदला लेने जिम्मी उसो वापस आ सकते हैं। तो इस मैच के अंदर जो इंटरफेयर होने वाला है वो रैंडी ऑर्टन और केविन ओवेन का भी हो सकता है। बाकी हमें वेट करना है इस हफ्ते के इस स्पेशल इवेंट का। और अगर आपको ये अपडेट पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल बनाना, चैनल सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिले।